टेस्टी ट्यूसडेज़ में आज हम एक ऐसी रेसिपी सीखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्दी है। आप व्रत में भी इसका सेवन कर सकते हैं और अगर व्रत नहीं है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इसे खा सकते हैं, और ये है पनीर का चीला। पनीर का चीला जो बहुत बहुत हेल्दी है, हाई प्रोटीन है और आपको वजन घटाने की जर्नी में भी बहुत लाभकारी है। सबसे पहले हम पनीर लेंगे और उसे अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर हाथों का प्रयोग कर रहे हैं और हाथों से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको हमें मैश कर लेना है इस तरह से। क्योंकि हम दो लोगों के हिसाब से इसको बना रहे हैं, यानी चार चीले इसमें बनेंगे, तो एक आलू हम ले लेते हैं ताकि ये इसको बाइंड कर सके। अगर आप आलू का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप एरो रूट का प्रयोग कर सकते हैं। एरो रूट एक तरह की रूट का ही पाउडर होता है, एरो रूट पाउडर, और वो भी स्टार्ची होता है तो वो इसको बाइंड करने का काम अच्छी तरह से कर सकता है। अगर एरो रूट नहीं यूज़ करना चाहते तो आलू कर सकते हैं, जैसे हमने दिखाया। अब हम इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल लेंगे, रॉक सॉल्ट, क्योंकि वैसे तो उपवास में लोग रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं पर हम प्रतिदिन के भोजन में भी रॉक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं, दूसरे किसी तरह का सॉल्ट नहीं यूज़ करते। ग्रीन चिली, हरी मिर्च इसमें थोड़ी सी डाल ली और फिर इसे अच्छे से हमने मैश कर लिया। क्योंकि ये उपवास का भोजन है और हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत अधिक मसालों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमने तो सिर्फ रॉक सॉल्ट डाला है। आप चाहें तो इसमें और मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उपवास का भोजन नहीं बना रहे हैं। अब एक प्लेट लेकर के उसको ग्रीस कर लेंगे, शुद्ध देसी घी हल्का सा लगा दिया ताकि ये उस पर चिपके नहीं, और इस तरह से इसको हाथ से गोला बना करके और फिर प्लेट में रख करके धीरे धीरे से दबाएंगे ताकि ये एक बड़ा सर्कल जैसा हो जाए। इसको आप अपने हाथों की हेल्प से आकार दे सकते हैं। अपने हाथ से बना भोजन अपने परिवार को, अपने बच्चों को, और महिलाएं भी, मातृशक्ति भी, पुरुष भाई भी, सबको किचन में काम ज़रूर करना चाहिए, है ना। हमें स्वयं सेवक बनना चाहिए, अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए। अब ये क्योंकि हल्का सा स्टिक हो सकता है तो हम इसे इस तरह से निकाल के और ऐसे तवे पर रख देंगे और इसको सिकने देंगे अच्छे से। हल्का सा देसी घी का प्रयोग हमने किया है, आप नहीं करना चाहें तो बिना उसके भी आप इसे तवे पर रख सकते हैं। इस तरह से पलट देंगे और जब तक अच्छे से ना सिक जाए तब तक इसे सेकना है। यानी अभी जो ये टर्न किया है ये हल्का सा हमें, यानी डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। ये आपकी रेसिपी तैयार। इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में, और ये सेहत से भरपूर है। फिर इसको आप अपने प्लेट में निकालिए और रेड चटनी, ग्रीन चटनी, चटनी हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और दही के साथ इसका सेवन कीजिए। स्वस्थ रहेंगे।